तो भाई आ जाए थे हम लोग सदर में बुक्स लेने के लिए और कुछ और सामान लेने के लिए। हमने जतोई देख ली, जतोई को हमने छोड़ दिया, उदयपुर वाले देखी, उदयपुर वाला छोड़ दिया। और ये इसकी रिव्यू बुक है क्वेश्चन आंसर्स के साथ उदयपुर वाला की, ये भी फ़िलहाल हम छोड़ रहे हैं। नाइन ईयर्स की रिव्यू है इरफान मसूद की, तो वैसी मुझे पसंद नहीं है। और ये तो हाँ ये भी, और ये कांस की, हाँ ये वाली ले ली। तो ये भाई ये टेक्स्ट बुक है ओरिजिनल कांस की, लेकिन फिलहाल अभी ये टीचर से पूछने के बाद देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी इसकी तो। और इस वक्त जो ले रहे हैं हम लोग वो ले रहे हैं, एक तो ये डिंगरा ले रहे हैं टी एन टी की, और थलमो की ये ले रहे हैं हम जोगी की, ये भी टेक्स्ट बुक है हमारे पास। और गाइनी की 10 टीचर्स, और ओस्ट की भी 10 टीचर्स ले रहे हैं, और साथ में डर्मा की एबीसी ले रहे हैं। कुल मिला के मैं कितनी बुक्स लेने जा रहा हूँ, चार पाँच पाँच बुक्स ले रहा हूँ भाई। इस वक्त अभी हम सदर में आए हुए हैं और मैंने जो है ना कुछ बुक्स ले ली हैं। अब बुक्स लेने के बाद ना कुछ और भी चीज़ें लेनी है, अभी हम दूसरी चीज़ें देख रहे हैं जो लेनी है हमने। और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें अभी खुली हुई हैं, वैसे तो रात हो गई है तो दुकानें बंद हो जाती हैं रात में, तो अभी देखते हैं कि अगर जो जो खुली है वहाँ से हम देख लें, पसंद कर लें। मैंने डेली लेने लगे हैं आखिरकार, काफ़ी जगहों पर हम लोग देखते थे। और साथ में हम लोग जो है ना दुकान की काफ़ी सारी चीज ले रहे हैं आर्ट के लिए भाई, हमने जो है आर्ट का भी सामान ले लिया लगते हैं भाई। एक हमें एक अनोखा कार्ड सा मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ बात पक्की, तो हम ये भी ओके करने लगे हैं, काम आएगा भाई फ्यूचर। तकरीबन सारी शॉपिंग कर ली है, सामान ले लिया जरूरी, और अभी जा रहे हैं घर की तरफ। भाई डैडी के साथ हम लोग जो है ना शीशे के लिए गत्ता ढूंढ रहे हैं बनवाने के लिए, हम लोग आ गए हैं कारपेंटर की दुकान पे, और इस वक्त जो है नाप ही बनवाया जा रहा है। कुछ ले लिए अभी कुल्फियाँ, अब आगे जाएंगे हम फलूदा भी लेंगे दूसरी मार्केट में, और यहाँ पे भी कुछ शॉपिंग करेंगे हम लोग, देखते हैं अगर कुछ लेते हैं वरना खा पी रहा हूँ मैं मज़े से। तो भाई इस वक्त फालूदा जो है खाया जा रहा है और काफ़ी टेस्टी है, उसमें आइसक्रीम भी है। अभी हम लोग ना डाइनिंग टेबल का प्लास्टिक लेने के लिए आए हुए हैं, तो अभी यही पसंद कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं फिश पॉइंट पे फिश खाने के लिए, तो देखते हैं इनके पास कौन कौन सी फिश अवेलेबल है। तो भाई ये मुख्तलिफ किस्मों की बनी हुई है यहाँ पे, तो देखते हैं कि कौन सी हम लेते हैं। ये फिंगर फिश है भाई, और ये राव है हमारे पास, वो हीरा मछली और वो पापलेट आते हैं। बैठने वाली जगह पे यहाँ पे बैठने का जो इंतज़ाम है हवा में, तो यहाँ पे बैठ के खाते हैं। हमें रात हो गई है यहाँ पे, और अभी हम बैठे हैं कुछ मछली खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है और हिम्मत नहीं हो रही कि अभी बगैर खाए जो है ना हम घर पे चले जाए। और अभी वेट कर रहे हैं, हम ऑर्डर दिए आए हैं तो अभी वो बन रहा है, तो जैसे ही तैयार होता है तो हमारे पास आता है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का है। बाकी बस ये है कि जल्दी जल्दी खा के हम निकलें। ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने बुक्स लेनी थी, काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रहा था कि बुक्स लेनी है बुक्स लेनी है, तो आज मैंने जो है ना इकट्ठी जो है ना 5 बुक्स ले ली हैं इस ईयर की। तो अभी मुझे उम्मीद है कि अब मुझे जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक्स दोबारा लेने की। तो भाई हमारा ऑर्डर आ गया है तैयार हो गए, और इस वक्त की हमारी फिशेज भी तैयार हो गई है मसाले के साथ। तो भाई हमारे पास जो है ना हमारी फिशेज आ गई हैं, और बस हम नोश फरमाने को हैं, तो ज़रा एक ट्राई करते हैं हम लोग कि किस किस्म की फिश है। ये फिंगर फिश है भाई, बोनलेस, काफ़ी टेस्टी है। काफ़ी टेस्टी है। तो इसी के साथ हमारा वीलॉग यहीं पे एंड होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो हमारी शॉपिंग थी और खाना पीना था, और रात को 12 बजे हम घर पहुँचे।